हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग न्यू विद श्वेता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अच्छी बहू बनने के टिप्स दिए थे और मैंने आपको अच्छी पत्नी बनने के भी टिप्स दिए, दोनों ही वीडियोस बहुत ज्यादा लाइक किए जा रहे हैं। और अब मैं आपके लिए लाई हूँ अच्छी माँ बनने के कुछ टिप्स। अच्छी माँ कैसे बन सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स मैंने नोट कर लिए हैं, क्योंकि हर एक टिप्स जब वीडियो शूट करो तो हर टिप्स याद नहीं रहता है, इसलिए मैं इनको नोट कर लेती हूँ। ये देखिए, नोट किए हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ अच्छी माँ बनने के टिप्स, क्योंकि अच्छी बहू बनने के नुस्खे भी मैंने नोट किए हुए थे। और जैसे मेरे उस वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट ये किया है कि मैम आप तो खुद देख कर बोल रही हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, देखकर बोलने का तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखकर बोलती मैं इसलिए हूं क्योंकि जो चीज याद आती जाती है, जो चीज उस टाइम पर माइंड में आ रही है वो मैंने नोट कर ली। हर बात हर टाइम पर याद नहीं आ पाती है, इसलिए जब मैं आपको हर बात बताने जा रही हूं तो उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर बात याद आ जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा नोट करके रखती हूँ। मैं आप लोगों को जो वीडियो देती हूँ उसमें सारी बातें प्रॉपर बताती हूँ, इसीलिए कि जब नोट की हुई बात होती है तो वो हर एक बात आपको मैं बता सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, उन लोगों से मेरा मतलब यही कहना है कि मैं देखकर इसीलिए बताती हूँ जिससे कि हर एक पॉइंट आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। तो अच्छी माँ बनने के जो टिप्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन हैं। जैसे अच्छी बहू बनने के मैंने 14 टिप्स दिए थे, वैसे ही अच्छी माँ बनने के भी कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगी घंटी को जरूर दबा लीजिए जिससे सभी वीडियोज के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हर लड़की का सपना होता है कि वो माँ बने। हर लड़की चाहती है कि उसकी संतान हो। सबसे पहले वो लड़की बनती है, यानी कि सबसे पहले वो एक बेटी होती है। बेटी के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक पत्नी बन जाती है और बहू बन जाती है। फिर उसका एक सपना होता है कि मैं माँ बनूं। माँ बनने का सपना हर लड़की का होता है और वो ये चाहती है कि मेरी संतान भी बहुत अच्छी हो। सबसे ज्यादा अच्छी संतान की चाह हर माँ बाप को होती है। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरी संतान बहुत ही अच्छी हो। तो अच्छी माँ आप कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, तो आप लोग उनको फॉलो करके जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको टिप्स कैसे लगे। बच्चे को भली भांति पालना पोसना, अच्छा इंसान बनाना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा कठिन काम होता है ये। अगर जो भी माँ इसमें सफल हो जाती है तो उसका जीवन वाकई सफल है। अगर उसका बच्चा अच्छा बन गया तो उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि बच्चे को अच्छा बनाना, अच्छा इंसान बनाना और उस एम तक उसको पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स, मेन जो हमारा उद्देश्य है आज का, अच्छी माँ बनने के टिप्स, वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए जिससे सभी वीडियोस के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। छोटेपन से बच्चे को सूसू और पॉटी कराने की आदत डालिए, क्योंकि हम बच्चे की जैसी आदत डाल देंगे वैसी ही आदत बनी रहेगी और इससे आगे हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चे की भी आदत अच्छी बन जाएगी। तो ये आदत सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आदत बच्चों की डालिए। और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आज के जमाने में चल रही है, डायपर पहनाना। डायपर पहनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डायपर हम लोग ये सोचकर पहना देते हैं कि पहना दो फिर फ्री हो गए, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, और हर चीज से मतलब है, उसको दूध देना है, उसको हमें क्या देना है, खाने पीने में जो भी देना है सारा कुछ ध्यान रखेंगे, लेकिन डायपर पहनाने से एक ये फ्रीनेस हो गई कि सूसू पॉटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पॉटी की,
आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है कि बच्चों को पॉटी नहीं होती है, तो इसलिए डायपर बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। हाँ, ऐसे आप यूज कर सकती हैं जैसे कहीं अगर आप जा रही हैं तो बस उतनी देर के लिए पहना दीजिए, बाकी घर में आप बच्चे को लंगोटी पहनाइए। और जब बच्चे को आप लंगोटी पहना रही हैं तो उसको दो दो घंटे में सूसू जरूर कराती रहिए, तो जिससे कि आपको आपका बच्चा बार बार यानी कि उसी में जैसे लंगोटी में सूसू नहीं करेगा, तो आप दो दो घंटे में उसको सूसू कराने की आदत डालिए। बीच में अगर हो जा रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दो घंटे में आप उसको जरूर कराइए। छोटे बच्चों को चुस्नी मत लगाइए। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से गार्जियन होते हैं, जैसे क्या होता है, रात में बच्चा रोता है, रात में अगर बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, परेशान करता है, तो गार्जियन क्या करते हैं, चुस्नी ले आते हैं। चुस्नी लगा दी रात में, ना दूध बनाने की झंझट, ना कोई झंझट, चुस्नी लगा दी, बस बच्चा सो रहा है, हम भी सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुस्नी बहुत ज्यादा गंदी चीज है, मतलब कहना चाहिए कि चुस्नी बिल्कुल बच्चों को लगानी ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सके बॉटल फीडिंग ना ही कराएं, बच्चे को अपना दूध पिलाइए, क्योंकि 4 महीने तक माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। माँ के दूध से ज्यादा अच्छा कोई भी आहार नहीं है। हाँ, अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, तो उसको देशी गाय का दूध दीजिए, वही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। बच्चों से बातें करना शुरू कीजिए, जिससे कि बच्चा आपकी बात को भी समझेगा और आपको भी समझेगा, और आप भी उसकी बात को समझ पाएंगी कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है। इसलिए उससे बातें करना शुरू कीजिए। जब वो बहुत छोटा होता है तो उससे बातें करते रहिए, जिससे कि वो आपको समझे और आप उसे समझें। और बच्चे को बोलने में भी आसानी होती है, जब आप उससे बातें करेंगी तो वो भी जल्दी बोलेगा। बच्चे की दिनचर्या का टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि जब मन हुआ तब दूध दे दिया, जब मन हुआ तब खाना दे दिया, जब मन हुआ, ऐसा नहीं है। उसका टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कीजिए, हो पा रहा है तो। जैसे उसको दो दो घंटे में दूध पिलाइए, दो दो घंटे के अंतराल में। ऐसा नहीं है अगर आपने दूध पिलाया और वो थोड़ी देर बाद अगर रोने लगा तो आप फिर उसको दूध पिलाने लगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 घंटे का अंतराल जरूर दीजिए बच्चे को दूध पिलाने में, क्योंकि दूध जो उसने पिया है, जब तक वो दूध उसका पच नहीं जाता है तब तक और हम उसको एक्स्ट्रा दूध पिलाएंगे तो वो वॉमिट कर देगा। इसलिए हमको एक्स्ट्रा दूध नहीं पिलाना है, और बाकी उसके साथ एक्टिविटीज करिए, ना कि बार बार उसको दूध पिलाइए। अच्छा, उसकी सूसू करने की आदत पर कि उसको दो दो घंटे में लंगोटी उतार कर सूसू करानी ही करानी है, ये आप सोच लीजिए, ठीक है। टाइम के हिसाब से आप ये सोचिए कि 2 घंटे में हमें इसकी लंगोटी उतार के और सूसू करने की आदत डालनी है। ये सोचना है कि आदत डालनी है, फिर जब वो आदत हो जाएगी उसकी तब वो उसको दो दो घंटे में खुद ही सूसू लगाएगी, तब वो इस तरह से कुछ इशारा करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ इसको सूसू आ रही है। उसको सुलाने का, उसको खिलाने पिलाने हर चीज का एक निश्चित समय कर लीजिए। टाइम टेबल के हिसाब से ही अगर आप शुरुआत करेंगी, शुरुआत से ही स्टार्टिंग जब इस तरह से करेंगी तो आपको भी किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके बच्चे में भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहेगा, प्रॉपर रहेगा कि हमको इस समय पर यही करना है क्योंकि मेरी तो हैबिट बन चुकी है, तो वो उसी टाइम पर वही करेगा जो उसको करना है, जैसी आपने उसकी आदत डाली है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा माँ से ही शुरू होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा होने पर उसे चीजें पहचानना, इशारे से बताना सिखाइए, छोटी छोटी राइम्स सुनाइए, गायत्री मंत्र सुनाइए, ओम नमः शिवाय या छोटी छोटी स्तुतियां भी सुनाइए। इस तरह से अगर आप करेंगी तो आपके बच्चे में आध्यात्मिकता भी शुरुआत से जागृत होगी, क्योंकि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो शुरुआत होती है माँ से ही, तो माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है। 5 वर्ष तक बच्चा अबोध होता है, यानी कि बिल्कुल भगवान का स्वरूप होता है, तो जहां तक हो सके उसको डांटिए नहीं और मारिए तो बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि मारने से बच्चे विद्रोही बन जाते हैं। मारना, और हम लोग सोचते हैं कि हम मतलब मार लेंगे या बहुत ज्यादा डांटेंगे तो बच्चा हमारा सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। मारने से डांटने से बच्चे को और बिल्कुल भी समझ में नहीं आती ये बात, जितना कि अगर हम बैठकर प्यार से वही बात समझाएंगे तो उसको पूरी बात समझ में भी आएगी और वो समझ जाएगा। लेकिन डांट कर समझाने से और मार कर समझाने से कोई लाभ नहीं है, और डांट कर और मार कर खुद हमको भी अच्छा नहीं लगता है। खुद जो भी मम्मी पापा होते हैं, यानी कि पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो डांटने के बाद खुद में भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। डांट लिया, मार लिया, लेकिन बाद में लगता है अरे अच्छा नहीं किया, क्योंकि खुद में यही लगने लगता है कि यही बात अगर मैंने प्यार से समझा दी होती तो वो ज्यादा समझ में आती, क्योंकि वही गलती वो बार बार करता है जब हम उसको डांट कर मना करते हैं या फिर मार कर मना करते हैं। 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चे को अनुशासन में रखने के लिए आप उसको डांट सकती हैं या फिर उसको किसी भी रूप में दंड दे सकती हैं। बच्चे को स्कूल रेगुलर भेजिए, किसी भी ठोस कारण के बिना छुट्टी मत कीजिए। जब तक कोई ठोस ऐसा रीजन नहीं है तब तक बच्चे की छुट्टी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का क्या रहता है, डेली कुछ ना कुछ यही बोलते हैं, मम्मा आज छुट्टी कर दो कल चला जाऊंगा। लेकिन बच्चों की इस बात इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। बिल्कुल अगर एक दिन भी आपने छुट्टी की तो नेक्स्ट डे फिर वो छुट्टी के लिए बोलेगा, तो क्या फिर आप छुट्टी करोगे? नहीं करोगे ना। इसलिए एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है। बच्चे को ये लगना ही नहीं चाहिए कि मैं बोलूंगा और छुट्टी हो जाएगी, इसलिए एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है। जब तक कोई ठोस रीजन ना हो तब तक छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना है। और हाँ, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल जरूर जाइए। अगर आप किसी कारणवश पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं तो आप बच्चों के टीचर से फोन पर बात जरूर कीजिए और उनको रीजन बताइए कि आपने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं कर पाई, आप क्यों नहीं आ पाई, और अपने बच्चे की जानकारी जरूर लीजिए फोन पर ही, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो। और वरना तो आपको जरूर जाना चाहिए पेरेंट्स मीटिंग में, आप इनके टीचर्स से जरूर मिलिए, जिससे आपको अपने बच्चे के बारे में जानकारी मिलेगी कि आपका बच्चा कैसा है, स्कूल में क्या कर रहा है और किस लेवल तक है। ये सब जानकारियां आपको स्कूल में टीचर्स से मिलेंगी। बच्चा जब थोड़ा सा समझदार हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब उसको पैसों का महत्व समझाइए कि पैसे का महत्व क्या होता है। उसके जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी को नियंत्रित कीजिए। उसकी फालतू फरमाइशों पर अंकुश लगाइए। इस समय में उसे जितने प्यार की जरूरत है उतने ही नियंत्रण की भी आवश्यकता है। मतलब वो ये चाहता है कि आपसे उसको प्यार मिले, लेकिन आप उस पर नियंत्रण की उसी समय आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि बच्चा अच्छा बन सकता है और बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो इस एज में बच्चे पर नियंत्रण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ बच्चे की हॉबी का भी ध्यान रखिए। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि हमें तो अपने मतलब बच्चे को इंजीनियर बनाना है, कोई सोचता है हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, लेकिन नहीं, बच्चे की हॉबी के अकॉर्डिंग ही हमको भी उसका डिसीजन लेना चाहिए। बच्चे को 8th स्टैंडर्ड के बाद अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए फ्री करना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है और बच्चा क्या बनना चाहता है, तो उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा उसके साथ भी बैठकर डिसीजन लें, ना कि खुद ही डिसीजन लें कि हमको ये बनाना है। हमेशा याद रखिए, माँ के निर्देशन में ही बच्चे श्रेष्ठ मानव और बहुत ही अच्छे नागरिक बनते हैं। हर घर की परिस्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक समान नियम नहीं हो सकते। अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए, उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बच्चों का पालन कीजिए। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में उसे बताइए। कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा आपसे अपनी हर बात शेयर किया करे और आपसे सलाह लिया करे। तो फ्रेंड्स, ये थे अच्छी माँ बनने के टिप्स। तो अगर आपको पसंद आए हों
तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।